शिवसेना छोड़ के गए लोगों की स्थिति गली के कुत्तों जैसी हो गई है। संजय राउत ने सिंधे पर किया हमला। फिल्म बनाने वालों पर फांसी हो, द केरला स्टोरी का किया विरोध। फिल्म में दिखाया गया झूठ, जितेंद्र आहवार ने दिया भड़काऊ बयान। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना ही पड़ेगा। कांदिवली के रघुलीला मॉल में कश्मीर फाइल्स देखकर आने वाले दर्शकों की प्रतिक्रिया है सामने। यूपी में टैक्स फ्री करने के बाद अपने कैबिनेट के साथ फिल्म देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। द केरल स्टोरी को किया गया टैक्स फ्री। भाड़ा ठुकराया तो कैंसिल होगा ऑटो टैक्सी वालों का लाइसेंस। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस का नया आदेश। फिल्म द केरला स्टोरी के क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से मिली धमकी। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की। सलमान खान को ईमेल के जरिए दी गई धमकी, ब्रिटेन से दी गई थी धमकी। पुलिस ने भारतीय छात्र की पहचान की। आर्यन खान ड्रग्स केस पर फिर चर्चा। केस से जुड़े रहे एनसीबी अफसर पर बड़ी कार्रवाई। अफसर को सेवा से किया गया बर्खास्त। शरद पवार कर रहे नौटंकी अजीत पवार को। एमवीए कर रही है बदनाम बावन कुले का एनसीपी पर निशाना। नीट एग्जाम के दौरान लड़कियों के चेक किए गए कपड़े, खुले में कपड़े बदलने को किया गया मजबूर। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, लोगों से निपटना सरकार की भूमिका नहीं। बीजेपी कितनी भी आलोचना करे हम काम करते रहेंगे। मुंबई पुलिस ने बागेश्वर धाम सरकार को भेजा नोटिस। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और आयोजकों को दी गई चेतावनी। रिक्शा चालकों के खिलाफ आरटीओ हुई सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर 5 दिनों में 200 से अधिक ऑटो चालकों पर हुआ जुर्माना। बोरीवली और बांद्रा इलाकों में की गई कार्रवाई। मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर का कल रात हुआ निधन। रात करीब 2 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दी चुनौती। बीजेपी के पास कमांड सिस्टम है। शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी का आदेश मानना ही पड़ेगा। पुणे पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, जब्त किए गए करोड़ों रुपए के नोट। नोटों के साथ एक काउंटिंग मशीन भी मिली। बदले की साईं बाबा की सीडी की तस्वीर। सरकार से मिले 52 करोड़ के फंड। सीडी में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने इस विकास योजना को किया पेश। पेट के ऊपर से 377 बार गुजरी 250 किलो की बाइक। थाने के 42 साल के शख्स ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पुणे में बंगले की 6 फीट की दीवार से कूदा पैंथर तेंदुआ, कुत्ते पर मारा झपट। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई बढ़ोतरी। सोना 61,750 रुपए तोला, वहीं चांदी 78,100 रुपए किलो।